खुश होइए तो मैंने हॉस्टल ले आया तुम्हें। बॉयज एंड गर्ल्स जिस दिन फिजा खुश होगी ना मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, बट ऐसा हो नहीं सकता भाई। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि फाइनली वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैं फेस रिवील करूँ। तो चलो भाई 1 2 3। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना और मेरे साथ है फिजा खाना, एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है बड़ा स्पेशल क्योंकि आज है फिजा की बर्थडे। पूरे शहर में अभी तक ढिंढोरा नहीं पीटा ना, तो मैं पीट दूँ क्योंकि फिजा तो कल रात से यही जा रही है। मेरी किसी को परवाह ही नहीं मेरी बर्थडे है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी आप जैसे चेक कर सकते हैं गाड़ी में ना हमारे बहुत ज्यादा सामान है। ये देखो जरा नीचे सारा। असल में ना ये गाड़ी छोटी पड़ रही है, अब हमें ना थोड़ा सा बड़ी गाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। हम BMW नहीं लेके, उसमें थोड़ा सा एक इशू आ रहा था, वरना वो बड़ी गाड़ी काफी ना जो दूसरी हमारे पास। अभी का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं ऑस्टिन, हमारा एक दोस्त है फैमिली फ्रेंड फिजान है, और यू नो उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसका बेटा, उनकी तरफ जा रहे हैं उनके साथ ना। हमने आगे लंच करने जाना, उसको मैं एक दफा पहले भी लाया था ब्लॉग में ना लास्ट ईयर। फिर लंच के बाद हमारा प्लान ये है कि कहीं जगह पे घूमेंगे और फिर रात को कोई अच्छी फैंसी जगह पे डिनर करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में हम जो हमारा आइजन है उसका फेस रिवील भी करेंगे। आई थिंक इज ओल्ड इनफ नाउ कि जहाँ पे वी आर अ लिटिल कंफर्टेबल कि हाँ यार ये हो सकता है, लेकिन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आइजन पीछे भी रिलैक्स कर रहा है, सो रहा है। जब उठेगा सारा कुछ होगा तो बाद में हम दिखाएंगे एज वी गो अलॉन्ग विद दिस व्लॉग इंशाल्लाह। आगे कंटिन्यू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना और बेल आइकन भी दबा दें। अब हम ऑस्टिन की तरफ जा रहे हैं, मैं जरा ड्राइविंग पे फोकस कर लूँ। रास्ता बस 1.5 घंटे का रह गया है, इंशाल्लाह फिर आपको फिजान के घर जाके मिलेंगे। उसके बेटे के लिए हमने वो टॉयज भी लिए। फिजान का बेटा 3 साल का, उसको ना शौक है बड़ा गाड़ियों शाड़ियों का ना, तो भी जाके उसको देखेंगे, उसका भी रिएक्शन लेंगे। हम फाइनली पहुंच गए हैं, बड़ा ही लंबा सफर था हमारा Q2 के साथ। ये देखो वाजे आ रही होंगी इसके पीछे। पहले अंदर जाते हैं, मिल मुल लेते हैं, फिर सामान अंदर लेके जाएंगे, फिर कोई लंच वंच करने जाएंगे। फेस रिवील इसका एंड में होगा, वीडियो एंड तक देखोगे। हम फिजान की तरफ आ गए हैं। फिजान भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये कौन है? Who is this? बीबी बेबी, हेलो तो करो। You wanna shake hands? नहीं वो नहीं कर रहा, नहीं करना। You can give a huggy, okay? आजा आजा। No? नहीं कर रहा अभी नहीं, वो कम्फर्टेबल उसके साथ ना, अपने दोस्त के साथ। इमो के लिए भी मैं कुछ लेके भी आया हूँ। हैं इमो, आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू। व्हाट डिड आई गेट? व्हाट्स द सरप्राइज? व्हाट डू यू थिंक? हां Are you ready? Okay. Go. What do you say, Annie? Thank you. What is that? Cars. Cars. You wanna open it? You wanna open? Wow. Nice. What is that car? You like that? चुन के इसके लिए 10 मिनट खड़ा रहा मेरे को कौन सी वाली। What is that? Hot wheels. उधर ही बैठ गया। ये तो भारी है वाली तो यार। Dad is opening the hot wheels. We so many cars. Oh, aage bahar aage sari. Wow, this is I think Mercedes. No, Mercedes. Yeah. What car is this? Huh? Blue. Look at the yellow one. There's a red one. The black one is so cool. Look at this one. Ooh, hoo, 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 hoo. पहले ना वो एक लैम्बोर्गिनी टाइप मिली थी, मैंने कहा नहीं यार ये कूल गाड़ी है। वो देखो कैसे पड़ा हुआ था। ये क्या? What is this? Turkey? No, it's this chicken. Delhi? Okay, I'll have it. Chicken. इसी पिक्स हो रही हैं अभी। खैर उसके लिए चुन के आउटफिट लाए थे हम ये वाला। हम लोग जाते अपनी शॉपिंग के लिए। ले इसके लिए आते हैं, कुछ भी नहीं लेते हम लोग। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारा दिल नहीं करता अब अपनी चीज लेने के लिए, हमारा होता है कि इसके लिए कुछ ले लेते हैं, सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं। है इसमें ही ज्यादा होती है, होश भी होते हैं। चलो भाई ले गया गाड़ी अपने अंदर। वाह जी वाह, ओए होए होए होए, नाइस। डोर्स एंड द ट्रंक टू, एवरीथिंग ओपन्स अप। ओ लो लेके भाग गया। चलो भाई पहले जाके दिखा रहा उधर। चलो जी फिजा की बर्थडे का केक कटने वाला। जी वाह फाइनली लग गया बर्थडे का, इधर ही ले हैं। लो जी चलो जी। चलो जी 1 2 3 फूंक मारो इमेज। ओके बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, साथ वो भी गा रहा है। बस बस बाकी मैं कर ले तो तुम बाइट ले लो पर से। हाँ ये अभी टेस्ट के लिए ना।
मुंह में रख लिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत मजे का एक्चुअली। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी हम आगे हैं एक जगह पे, इसका नाम है टोस्टेड योक। यहाँ पे सिर्फ अंडे की चीजें मिलती हैं हमें, तो ये टोस्टेड योक पे हम आए हुए हैं यू कैन सी। और यहाँ पे ना मेरा दिल कर रहा है कोई अंडे वाला सैंडविच है ना, वो मंगवाएं। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स हमारे आगे खाने। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा, इधर कर दो। क्या इसके अंदर? एग व्हाइट डाला हुआ है, हैश ब्राउन्स है, ये मेरे हाथ में भी आइजन है। मैं तो आइजन को खा रहा हूँ, कब से हम इसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सो रहा। सारे रास्ते सो गया था ना बेसिकली, आराम से सोता हुआ था, तो अब नहीं सोना इसने, भूल जाओ। वाओ दैट लुक्स सो गुड मैन, थैंक यू, एवरीथिंग लुक्स गुड। Yes. अच्छा भाई, तो मेरी सैलेड आ गई, as you can see, मैंने सूप आ गई। ये वो है फ्राइड चिकन सैंडविच। यार इनका खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के पता चलेगा। लाओ उसका भी। ओए 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 ओए, क्या हुआ? ओए ओए ओए, किसने किसने? लो भाई, पहले खाने से पहले पिक्चर लेते थे, हम खाने से पहले इसको संभालते हैं। एक मिनट बॉयज एंड गर्ल्स, एक ब्रेक के बाद। ये है सैलेड हमारी, स्ट्रॉबेरी फील्ड सैलेड। अब इसमें आपको भी स्ट्रॉबेरी के साथ चिकन और सैलेड, यहाँ पे बड़ा कॉमन है, इसको फार्मर सैलेड भी कहते हैं। ये चेक करो जरा, ये तो बहुत टेस्टी है। मेरा खाना तो बहुत अच्छा है यार, और मतलब कि इन्होंने मीट और चिकन और सारा कुछ भर के डाला है उसके अंदर। ये चिकन है साथ साथ सैलेड है। आई विल गिव दिस सैलेड 8/10, वेरी वेरी गुड। और सूप भी ट्राई कर लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, सूप तो बड़ा मजे का, टॉर्टिया सूप। सूप इज लाइक 8.5 लव इज आई, अपनी भी लॉटरी। हैश ब्राउन, हैश ब्राउन बहुत टेस्टी है, इनको तो बहुत अच्छा खाना है यार। भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि फाइनली वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैं फेस रिवील करूँ। मैंने कहा था कि व्लॉग के एंड में करूंगा फेस रिवील, लेकिन व्लॉग अभी काफी लंबा चल रहा है, अभी आगे भी हम चलाते रहेंगे। ये नहीं अब फेस रिवील देख के भाग जाना वीडियो से, मुझे मसला हो रहा है वीडियो बनाते हैं बार बार की शक्ल यू 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 करनी पड़े, मैं दिखाई देता हूँ। तो खैर एनीवेज, आप लोग रेडी हैं? वैसे तो काफी लोगों ने साइड साइड से इसको देख ही लिया, लेकिन मैं एक दफा सही तरह ना खुल के दिखा दे। तो चलो भाई, 1 2 3। ओए ओए, ये क्या देख रहे हो? ओए नहीं, क्या हुआ? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मेरे से दुश्मनी हो गई तुम्हारी है? अब हम देखना चाह रहे हैं कि किससे इसकी शक्ल ज्यादा मिल रही है, मेरे से ज्यादा मिलती है। आ जा, ये देखो उसका सूट चेक करो। लेकिन पूरा हमने इसको कब हुए, हम जाते अपनी शॉपिंग के लिए और लेके हम इसके लिए चीजें ले आते, इसके लिए चीजें ले आते हो। देखो ये सही है, ये लो खड़ा हो गया। ओए ओए ओए, ये इसका फेस रिवील हो गया, यूं हिली जा रहा है। चंकी बॉय, ये लो थूके आ गई, ये लो जी। और बाय द वे अगेन, ब्लॉग से भी नहीं जाना अभी, हमने डोमेन एक जगह वहां पे हमने जाके घूमने, तो पूरा यम्पम लंबा ब्लॉग है, अब एंजॉय करो सारा साथ। सीन ये है कि हम घर से बाहर निकले थे और अब हम इस जगह पे हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है यहाँ पे ऑस्टिन का, इसको कहते हैं डोमेन, डोमेन एक्सपेंशन। बाय द वे, मैंने आपको एक चीज की बात करनी थी, मैं बाहर निकल के करता हूँ। ये कुछ प्रोडक्ट्स है अफसाना की तरफ से आए थे, ज्वेलरी स्टोर है, ऑनलाइन है, इसकी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाई थी, बट लेट मी शो यू आउटसाइड। रोने वाला है, रोने वाला, क्या हुआ? हमने इसको इस वाले बैसनेट वाले स्टाइल में कभी नहीं लटाया, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ फिजा वापस ही डाल दो उसमें, एक सेकंड हमें जरा फिगर आउट कर लें। बॉयज एंड गर्ल्स हमने फाइनली फिगर आउट कर लिया। वैसे बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव पार्टनर्ड अप विद अफसाना और इनकी ज्वेलरी स्टोर है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो बेसिकली ना ये जो इस्लामिक टाइप की जो ज्वेलरी ना वो बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ पे चेक कर सकते, पहला कलमा है उसकी रिंग चेक करो जरा, कितनी कूल लग रही है ये। उसके बाद ये आयतल कुर्सी की, आयतल कुर्सी है पहला कलमा का नेकलेस है, वन ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन ये आपके गले में, ये आपके गले में कुछ इस तरह का दिखता है, तो ये बड़ा ही खूबसूरत नेकलेस है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कहा था अब से मैं ये पहन के हर वक्त फिरूंगा। और फिजा वो दिखाओ तुम जरा, और फिजा के लिए उन्होंने भेजा था ये गोल्डन कफ आयतल कुर्सी वाला, एज यू कैन सी। और ये जो नेकलेस है, नेकलेस पे देखो मूसा, आइजन और फिजा। तो बेसिकली आप अपना कस्टम मेड नाम यहाँ पे लिखवा सकते हैं। अगर आपने इनका प्रोडक्ट लेना तो नीचे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, वो लिंक आप जाओगे, मेरा रेफरल लिंक है, इफ यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, और फिर यू कैन आल्सो हैव दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू एज वेल। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम आए हुए द डोमेन पे एज यू कैन सी, और ये ऑस्टिन का सबसे बड़ा मतलब शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। अब मुझे टेंशन हो रहा है इतनी गाड़ियां आ रही है आगे, कोई फिजा और बच्चे को ही ना लग जाए, तो हम पूरी कोशिश करके यहाँ से पहले सेफली निकलते हैं। हमने
यहाँ से जाना है उस साइड पे। चलो 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 चलो। बॉयज एंड गर्ल्स, जब आपकी बीवी और आपका बच्चा होता है ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोल्ड हो जाती है। मुझे डर होता है कि कोई गाड़ी वाला एकदम से आ जाए। यहाँ पे बहुत हादसे होते हैं इस तरह यूएस के अंदर। तो चेक करो ये सारा जो एरिया ना, अभी आगे जाएगा और ये देखो लोग यहाँ पे आए हुए। ये बीच की चेयर्स क्यों लेके आए हुए? ऑस्टिन में कौन सा बीच आ गया? ये देखो ना, बीच वाले कपड़े पहन के फुल मस्ती करने हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन देखो हर जगह पे लिखा हुआ है डोमेन। और यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं। वाह, यहाँ पे तो अपार्टमेंट वाले से शुगल में रहते होंगे। हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं। यहाँ पे सारी अभी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स और दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो बेसिकली जो रेस्टोरेंट है ना, वो हम यहीं पे कहीं खाएंगे। यहाँ से हम कोई चूज करते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट हमें पसंद है ना, पिज्जा की, क्योंकि अभी सेलिब्रेट हमने पूरी तरह की नहीं है बर्थडे। ऐसा ही है, कह रही है अभी तो कुछ किया भी नहीं, अभी तो डांस भी करना है, पार्टी भी करनी है। ठीक है, चल मार अभी कुकू से मरीज की तरह लटा हुआ। असल में ना, हम अब फिजान का बेटा देखते ना, तो हम होता है हमारा कुकू कब उस स्टेज पे आएगा जब यू नो आगे आगे भागेगा हमसे, फिर यूँ हमसे पूरी बातें करेगा। अभी तो बेचारे को वो फीलिंग भी नहीं आती ना इतनी, मतलब समझ नहीं आती चीज़ों की। वैसे वो देख के भी खुशी होती है, जैसे हमने उसको टॉय कार्ड ला के दी तो उतना एक्साइटेड हो रहा था वो। तो इंशाल्लाह हम उस स्टेज पे भी पहुंचेंगे। फूड ट्रक्स लगे हुए यहाँ पे, तो लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के बच्चे चिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। खुश हो तो मैंने हॉस्टल ले आया तुम्हें। बॉयज एंड गर्ल्स, जिस दिन फिजा खुश होगी ना, मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। बट ऐसा हो नहीं सकता, यू कैन नेवर मेक योर वाइफ हैप्पी। ये देखो, ये सामने स्ट्रीट जा रही है। आई थिंक यहाँ पे भी है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। ओ, हम गए थे, आई थिंक उसी की ब्रांच है। वहाँ पे ऑरेंज था, यहाँ पे देखो ब्लू है। इट वाज अ प्रीटी फन व्लॉग, इल्यूजन वाले म्यूजियम का ना। आई थिंक कपड़ों की दुकान भी खुली है, तो कपड़े भी देख सकते हैं हम। अमेरिकन ईगल है, चेक करना। तुमने कुछ लेना भी तो था ना, गिफ्ट ही दिलाया मुझे तुमने। कहते गिफ्ट ही दिलाया मुझे, मैंने कहा ये क्या गिफ्ट ही है सारा ट्रिप। तुम्हें मैं ले जाता छांगा मांगा, वो सही रहता। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, छांगा मांगा होता मैं जरूर जाता। मैं फिजा को कहता हूँ यार, वैसे हम जितने भी मॉल्स जाते हैं ना, हमें लाहौर का सबसे ज्यादा पैकेजेस मॉल ही याद आता है। हम तो तंग आ गए भाई अमेरिका घूम घूम के, आपको दिखा रहे होते हैं। आओ अमेरिकन ईगल चले। मैंने ना असल में इसको कहा था फिजा को, मैंने तुम्हें कुछ दिलाना है, तो हमने कल शॉपिंग करने गए थे, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आया था। मैं इसको कह रहा था तुम टेंशन ना लो, जिस चीज पे हाथ रखोगी वो दिला दूंगा तुम्हें। कितना अच्छा हूँ यार मैं, कभी कभी सोचता हूँ, है ना। मैं क्यों मानूं? नहीं पसंद आया कुछ? जिनकी बीवियाँ होती है ना, गर्लफ्रेंड होती हैं, आप उनको लाते हो कोई चीज दिलाने, उनको पसंद नहीं आती, वो भी आप पे डाल देते हैं। व्हाट इज द सेंस, करते हैं आप पूरी कोशिश हो ऐसे ही। बिरयानी में मसाला कैसे डलेगा जब तक मैं वो एक टेंशन नहीं डालूंगा ब्लॉग के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में सब कुछ फिट चल रहा है, तो आपको ब्लॉग देखने का मजा आएगा, आपको बल्कि गुस्सा चढ़ेगा। तो बस कंप्लेन करना जरूरी होती है। आजकल मॉडल देखो कैसे चल रहे हैं। आई थिंक है ही थोड़ी सी यू नो हेल्दी लेडीज का स्टोर है। अगर तुम्हें फील होता है कि तुम थोड़ी हेल्दी हो, तो तुम अंदर जा सकती हो शॉपिंग करने। पहले तो कुछ नहीं कहा मेरे, इफ यू फील लाइक इट। चलो फ्रांचेस्का जाना तुम्हें, चलो आ जाओ फ्रांचेस्का चले। तुम्हारे हम पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, हम भी देखें ना क्या तुम्हारी चीज़ पे नजर जा रही है। हम पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारे। ये अच्छे ड्रेसेस हैं वैसे यहाँ पे। ये ग्रीन वाला देखो, ऑलिव ग्रीन वाला कितना अच्छा निकालो। नहीं नहीं ये अच्छा लगा है मुझे, ये ऑलिव ग्रीन वाला भी जो तुमने पकड़ा था। ट्राई कर लो एक दफ़ा, हम वेट कर लेते हैं, तुम्हारा कोई मसला नहीं। दो पकड़ लो ना, ये वाला पकड़ लो। ये पिंक वाला देखो कैसा है, ये वाला कैसा है, ये प्यारा है, ले लो। चलो एक ये पकड़ लो, इसमें साइज देख लो अपना। लो जी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये ड्रेस टेस्ट होने वाला है फिजा का, यू नो देखते हैं होपफुली इसे कुछ पसंद आ जाए यहाँ पे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हमने ट्राई रूम में फिजा को भेज दिया फाइनली। अच्छे इसकी एक बात है, ट्राई भी नहीं करती, ऐसे ही कपड़े पकड़ लेती है। मुझे कुकू की टेंशन हो रही है, रोने ना लग जाए। मैंने कहा नहीं रोता, वो देखो चल मार रहा। क्या हुआ, खेलने के मूड में हो? ओए होए होए होए, क्या बात है, ये तो बुक कर लो, बहुत अच्छा है। ओए होए होए होए, क्या बात है। नहीं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल में देख के ले लो, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी बुक कर लो, बहुत अच्छा है। ले लो ले 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 ले, जो इस पे हाथ रखे ले ले। कहाँ से मिलेगा मेरे जैसा बंदा, मैं तो यही सोचता रहता हूँ रोज। Wow, it looks so good. ये बहुत अच्छा, मैं तुम्हें कह रहा था ना। तो फिजा ने बॉयज एंड गर्ल्स ये सूट सेलेक्ट किया है, एक येलो वाला, एक ब्राउन वाला, और एक इसने अभी पहना हुआ था, वो मैंने दिखाया नहीं। बेसिकली आप लोग कह रहे होंगे यार मूसा भाई, आप हमें ये लड़कियों वाले क्यों कॉस्ट्यूम दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे फीमेल ऑडियंस भी देखती है, और वो अक्सर कहते हैं कि फिजा से आप पूछा करो कि उसकी जो स्टाइलिंग सेंस उस पर वीडियो बनाए। तो मैं इसलिए ये भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ मोमेंट के, जो मुझे मोहतरमाएं देखती हैं बड़ी छोटी एज की, उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किस तरह के कपड़े मिलते हैं या फिर किस तरह की चीज लेनी चाहिए। ये वाला दिखाना ड्रेस, ये अच्छा लगा था, मैंने इसके लिए चुना। मैंने कहा फीमेल ऑडियंस के लिए, कल को उन्होंने फ्रांचेस्का से लेना हो, इनके अच्छे होते हैं। ग्रेजुएशन के ड्रेस में यहां से गया था। बॉयज एंड गर्ल्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमें स्टोर नजर आया, यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें ना। स्कूल ऑफ बेली डांस, अरेबिक स्टोर आ गया, बेली डांसर वाला स्टोर। ठीक है, तो मैं अपने लिए यहाँ पे कपड़े देख लेता हूँ। सॉरी मामू के लिए कपड़े देख लेते, उनको बेली डांस का बड़ा शौक है, मैंने सुना है। मामू देख के अभी खूब चढ़ेंगे, आ जाओ। ओए नो, अरे यार
अब लग रही है ना तू घुंघरू यार। नहीं लेकिन अंदर काफी अच्छे ड्रेसेस हैं, वो देखो अरबी शर्बी वाले। ये देखो चेस कितनी प्यारी है, घर के लिए डेकोर वगैरह यहाँ पे। ओए होए 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 क्या जलवे हैं। पूरे पूरे यहाँ पे बुरखे की कलेक्शन भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल कवर्ड माल है। यार भी बड़े नॉटी है यार, वैसे मैंने हिसाब लगा लिया, परफ्यूम्स भी पड़े हुए हैं, संदूक भी पड़े हुए हैं यार। ना मजे का स्टोर था ये। चलो कोई नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, लेटर दैट सेम इवनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, हम ये डोमेन में आगे जाते जा रहे हैं और आपको भी यहाँ पे लाइट थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ही एंडलेस सी जगह है और आगे जाती जा रही है। अभी वो आगे भी है और इधर ना सारी ट्रीज की लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, मैं आपको उधर आगे जाके दिखाता हूँ। कुकू है ना फुल अवजार हो गया इस टाइम पे, वो देखो कह रहे क्या मुझे सुबह से घसीटी जा रहे हैं, वो सोने लग गए दोबारा। क्या करें बॉयज एंड गर्ल्स, जहाँ हम जाएंगे वहाँ एक ख्वार तो हो गई। ये आई थिंक कोई स्कूल के बच्चे आए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे बेसिकली स्टॉल वगैरह लगे हैं और लोगों की पार्टी, देखो कितने ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स चेक करो, ये सारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया है, कितने ज्यादा यहाँ पे लोग भरे हैं। चाहिए देखो यहाँ पे भी सारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, ठीक है, और वो आगे सारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे बेबी को लग रही है भूख काफी ज्यादा, वो देखो। सो वी हैव टू फाइंड अ प्लेस क्विक बिफोर कुकू स्टार्ट्स क्राइंग। अभी ये देखो यहाँ पे रश देखो कितने हम आए हुए हैं। जगह का नाम है जॉय एशियन बिस्ट्रो। आ जाओ जी। तो मैं अपनी मिल गई टेबल कोने में आराम से, ना मैं इसलिए कोनों पे बैठता हूँ जब मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, ताकि आवाज सही आ जाए। वैसे इस पे ना बैठ जाए। I was trying to fix my hair. You never know, huh? Okay, we'll go back some drinks for now. Can we get two Diet Cokes, please? Can we sit over this table so you have a better lighting? Okay, okay, thank you. Sorry about that. Champagne hai phaad rahe hain yahan pe. ये हमारे डम्पलिंग्स आ गए, चेक करो जरा, ये हमने मंगवाए थे चिकन एंड ट्रफल डम्पलिंग्स आ गए, और साथ हमारा कुकू कितना प्यारा लग रहे हैं, समोसे वाली खुशबू आ रही है, मैं खिलाना पड़ेगा मुझे। कह रहे क्या हो रहा है मेरे साथ, ज्यादती ज्यादती कर रहे हैं हैं, कैमरे में दिखाओ जरा वो बन यहाँ पे। जो ट्रफल ऑयल का टेस्ट है ना वो प्रॉपर इसके अंदर आया, और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मजे का, और जिंदाबाद मुबशर पुत्र मजा ही आ गया। 9 out of 10 डंपलिंग्स, वेरी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो जी बॉयज एंड गर्ल्स हमारा फुल ऑर्डर आ गया है यहाँ पे, ये चेक करो जरा, हमारे पास आ गया है वोक नूडल्स विद चिकन, और ये हमारे पास आ गया रेड थाई कड़ी, और उसके साथ आ गया हमारे पास व्हाइट राइस। पहले हम इसको ऐसे ट्राई करते हैं, स्पाइसी बट द राइट काइंड ऑफ स्पाइसी, क्रिस्पी किस्म का बीफ है अंदर, वेरी वेरी गुड, वेरी हाई एंड नूडल्स, चेक करो, बहुत बहुत टेस्टी नूडल्स, बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम किस्म के नहीं होते और टेस्ट से भरे हुए। 9 out of 10 नूडल्स, कड़ी 8.5, लव इट। बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे, लेकिन अब आपसे यहाँ पे फारिग होते हैं और फिर मिलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर के व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत शोर था रेस्टोरेंट में इसलिए वहाँ पे ज्यादा क्लिप्स नहीं बना पाए, लेकिन ओवरऑल ये व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा बन गया, तो इस व्लॉग को हमने कहा फिर यहाँ पे खत्म करते हैं। फिजा को होपफुली मजा आ गया अपनी बर्थडे का, वी डोंट नो दैट। आज हमने आयजिन का फेस रिवील भी कर दिया, आपने पूरा दिन देखा हम उसके साथ किस तरह गुजारते हैं, मतलब दिस इज नॉट एवरी डेज रूटीन बट व्हेनेवर वी गो आउट एंड हैव फन, सो इट्स अ प्रीटी फन डे फॉर अस एंड होप दैट यू आल्सो एंजॉयड द व्लॉग इक्वली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आयजिन क्या करना है उन्होंने, वो दूध निकल रहा है, बहुत से दूध निकल रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे।